ओ शांति। आज 27 मई 2020 साकार बाप दादा की मुरली है। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार माना मिलना। मिलने से कोई निश्चय नहीं बैठता, निश्चय बैठेगा ज्ञान योग से। साक्षात्कार की ड्रामा में नींद है। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। बोला हमने किसी का कल्याण नहीं कर सकते। साक्षात्कार होना ड्रामा में नूंद है, परंतु मान लो हमने किसी को देख लिया, उससे हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं। जैसे कि बहुत इंटेलिजेंट कोई टीचर हो, उसके पास पढ़ने वाला हमेशा पास होता हो, और हमने उसे देख लिया, उससे कोई हम परीक्षा में पास थोड़ा हो जाएंगे, हमारी कोई समस्या का समाधान थोड़ा हो जाएगा। हम उनके पास बैठे, उनसे ज्ञान लें, उसके अनुसार चलें, तब जाकर के कहीं उसका फायदा होगा। हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को नोट करना कि हमारा फायदा, हमारा कल्याण तभी है जब हमें ज्ञान हो, समझ हो कि वो क्या है। अब हम इसको एक और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि हम किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम, उसका हमें ज्ञान भी नहीं है, ठीक है, कि वो कौन है, कैसा है, क्या है, और हम उसको पहचानते भी नहीं। अब चाहे वो रास्ते में हमें मिल गया हो, हम उससे थोड़ा पहचानेंगे कि हम उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। हमें ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, पूरी पहचान हो, और फिर हम उसके डायरेक्शन पर चले तो हमें सफलता मिल सकती है। तो परमात्मा कहते, बच्चे मेरी शक्ल देखने से कोई लाभ नहीं होगा, मेरे डायरेक्शन पर चलने से लाभ होगा। बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। बाबा जादूगर है, उसके पास बड़ी जादूगरी है, परंतु वो कभी भी वो ताकत दिखाते नहीं। मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, परंतु बाबा कहते ये ताकत मैं दिखाता नहीं, ये ताकत मैं दिखाता नहीं। बाकी कोई नवधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता, ये भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराना, कराने की जादूगरी है, साक्षात्कार कराने की जादूगरी है। बाप के पास है, इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। घर बैठे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा का और श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराते। गीत चला, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की जानकार। ओम।
शाम। ये बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग है, अनेक मत मतांतर है, वास्तव में वे कोई सत्संग नहीं, वे कोई सत्संग नहीं। सत्संग एक होता है, बाकी तुम वहां किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखोगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। यहां फिर अनोखी बात है, ये सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है, ये तो बिल्कुल नई बात है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं, कहते हैं मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूं, तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो। शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं, अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, वे तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो, अब है नई बात। बुद्धि से आत्मा जानती है, बाप कहते हैं ए मेरे सिक्की लदे बच्चे, ए मेरे सालिग्रामो, तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था, तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो बाबा आया हुआ है। बाबा अक्षर कितना मीठा, परिवार की फीलिंग आती है कि वो हमारा बाप है, वे है मात पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के मात पिता कौन है। बरोबर वो साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वे मूंजते हैं, कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं तो विचार करते रहते कि ये क्या है। ब्रह्मा को कभी भूतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है, अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं, कृष्ण आदि की तो करते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं। कृष्ण को तो सारी दुनिया जानती है, परंतु ब्रह्मा ऐसा है ऐसे तो कोई भी नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, ये है प्रजापिता। बाप सबैठ समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है तो जरूर ये भी बहुत जन्मों के अंत में पतित ठहरे, कोई भी पावन नहीं, कोई भी पावन नहीं। इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं, समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे। लेकिन ये नदियां कोई पतित पावनी थोड़े ही हो सकती, नदियां तो निकलती हैं सागर से, वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं, तुम हो ज्ञान गंगाएं, मैं तो तुम्हारा है, तुम ज्ञान गंगाएं जहां तहां निकलती हो, वो लोग फिर दिखलाते हैं तीर मारा और गंगा निकली। तीर मारने की तो बात नहीं, ये ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती, सभी देशों ज्ञान गंगाएं। कौन है ज्ञान गंगाएं? जो बाबा का ज्ञान लेकर देश देशांतर अलग अलग देशों में जाकर सेवाएं कर रही। शिव बाबा कहते मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, सभी का पार्ट निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पार्ट निश्चित है। कोई समझते भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, ये सभी कपोड़े हैं, मैं आता हूं पढ़ाने के लिए, बाकी ताकत क्या दिखाएंगे। मैं कोई ताकत दिखाने के लिए नहीं आता हूं,
साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नवधा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूं। जैसे काली का रूप दिखाते हैं, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं, अब ऐसी काली तो है नहीं, परंतु काली की नवधा भक्ति बहुत करते हैं। वास्तव में काली तो जगत अंबा है, काली का ऐसा रूप तो नहीं है, परंतु नवधा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते, क्योंकि उन्होंने भावना रख के भक्ति की तो उनको बाबा साक्षात्कार करा देते। काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते। अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते। काली अब जगदम्बा बनी है, वे साक्षात्कार कैसे कराएगी? जो काली थी अब जगदम्बा बनी है, अब वो साक्षात्कार कैसे कराएगी? वे तो अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत वाले जन्म में है। कहाँ है? अंत वाले जन्म में है। देवताएं तो अभी है नहीं, तो वो क्या साक्षात्कार कराएंगे? बाप समझाते हैं, ये साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है, ये साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूं, परंतु ये कोई मेरे से नहीं मिलते। साक्षात्कार तो मैंने करा दिया, चाहे हनुमान का, राम का, गणेश का, किसी का भी, काली का है? मिसाले काली का देते हैं, इस रीति बहुत है। हनुमान, गणेश, सबके साक्षात्कार कराने का काम बाबा का है, परंतु बाबा कहते इससे वो मुझसे नहीं मिलते। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे से मिलेंगे। भल सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करें तो उन्हों की भी बहुत भक्ति करें तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वे तो नीचे चले आते हैं। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो ये गुरु नानक की भक्ति करते कर रहे हैं, साक्षात्कार भी फिर भी मैं कराता हूं। वो कैसे साक्षात्कार कराएंगे? उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। ये बाबा कहते मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया, शिव बाबा ने, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं है। देख लेने से कल्याण नहीं है। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे, आज वो हैं ही नहीं, आज वो हैं ही नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। ज्ञान मिले और उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था कि ये साक्षात्कार मैं कराता हूं। मीरा ने भी साक्षात्कार किया,
ऐसे नहीं कि आत्मा वहां चली गई, ऐसे नहीं है। बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं लेकिन मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्राह्मणिया टीचर्स हैं उनसे पूछो, ये तो जानते हो, बच्चियां भी नंबरवार हैं, नदियां भी नंबरवार होती हैं, कोई तो तालाब है। कई बच्चे कैसे हैं, तालाब ही है, बहुत गंदा बासी पानी होता है तालाब में, वहां भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं, वो है भक्ति की अंधश्रद्धा। कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है, जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आप पे ही छूट जाएगी। बाबा भी नारायण का भक्त था, चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सतयुग में ऐसा होता नहीं, तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासी पने से विदाई दे दे। बाबा भक्त तो था परंतु ज्ञान थोड़ा ही था। भक्त तो सबक तो सभी हैं, हम तो बाबा के बच्चे मालिक हैं। ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं, कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूं। ऐसा बाबा कभी देखा? उस बाप को पूरा याद करना है, उनको तुम इन आंखों से नहीं देख सकते, उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है, बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो, बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया है, समझाया झाड़ का राज भी समझाया, कर्म अकर्म और विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है। क्या समझाया है? कर्म अकर्म और विकर्म की गति भी समझाई है। क्या है? कर्म तो हर एक आत्मा को करना ही है, आत्मा परम धाम से आना पहला कर्म और लास्ट कर्म आत्मा का यहां से परम धाम जाना, सांस लेना, देखना, बोलना, चलना, हिलना, डुलना, सब कर्म। अकर्म किसे कहते हैं? आत्मा समझ कर किए गए कर्म, अकर्म और देह समझ कर किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। बाप टीचर गुरु तीनों से ही शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूं, ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते हैं अथवा कथाएं सुनाते हैं, परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। कथा सुनाएंगे परंतु धारणा नहीं होती। यहां तो बाप कहते हैं अंत मति सो गति होगी, अंत में जैसी तुम्हारी मत होगी वैसी तुम्हें गति मिलेगी। मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते हैं राम राम कहो तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अभी बाप कहते हैं तुम्हारा साकार योग, तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूं। बाबा कहते मैं तुम्हें आकर बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूं। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में स्वर्ग में आते। तुम भी पुरानी दुनिया को लात मारते नई दुनिया में जाते तो तुम्हारी नरक की तरफ है लात,
स्वर्ग तरफ है मुंह, नरक तरफ है लात और स्वर्ग तरफ है। शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह उस तरफ फेर लेते हैं, लात पिछाड़ी तरफ कर लेते हैं। तो वे चित्र, ये चित्र भी ऐसे बनाया है, मम्मा बाबा और तुम बच्चे, तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े जो उनकी गद्दी पर बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना, तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए? तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो, ये शिव बाबा का वर है, ये आशीर्वाद। करते हैं बाबा क्या करते हैं, सब पर यही आशीर्वाद करते हैं। ये नहीं कि हमारे ऊपर उनकी कृपा है, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे, उसकी मत पर चलना होगा, पावक्तिक उसकी मत पर चलना होगा। ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाबा समझाते हैं मुख से राम राम कहना भी नहीं है, आवाज हो जाता है, क्योंकि हमें आवाज से परे जाना है। आवाज, आवाज की दुनिया से हमें परे जाना है। चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है, कि अब सभी को भूल, तुम आत्मा निश्चय कर, मुझ एक बाप को याद। परम धाम में तुम सब आत्माएं बिना शरीर के रहती हो, फिर यहां आकर ये शरीर धारण कर लेती हो, तब जीव आत्माएं तब जीव आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहती है एक एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं, तो बाप कहते हैं मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूं, टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या आवश्यकता है। साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना, ऐसी जादूगरी कोई भी कर ना सके। बाबा सौदागर भी है, पुराना लेकर नया देता है। इनको पुराना लोहे का बर्तन हुआ, इनका पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है। इनका कोई मूल्य नहीं। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते हैं, और वहां तो सोने के सिक्के होते हैं, बन रहे ना, क्या से क्या बन गया है। बाप कहते हैं मैं तुमको नंबर वन कर्म सिखलाता हूं, मन, मना, भव, मन को बैठकर तुमको नंबर वन कर्म सिखलाता हूं, मन मना भव हो जाओ, मन को बैठकर बाबा के हर डायरेक्शन को समझो। अभी देवी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है, वह फिर स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंड्र खाते हैं, कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रहें, पवित्र रह सके, ये कैसे हो सकता है। बाबा तो कहते हैं बल मनुष्य बल
इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े कि बीच में ज्ञान तलवार रखनी है। इतनी बहादुरी दिखानी है, परीक्षा होती है तो मनुष्य इन बातों में वंडर खाते, हैरान होते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें हैं ही नहीं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्वी विवाह की बात यहाँ की है। अभी तुम पवित्र बनते हो तो बाबा कहते हैं बादरी दिखाओ, सन्यासियों के आगे सबूत देना है। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाप अनेक, बाप कहते कि बस साथ में रहो, सिर्फ नगर नहीं होना, बाप सिर्फ इतनी सी बात कहते हैं। ये सब भी हैं युक्तियां कलयुग के विनाश, कलयुग के परिवर्तन। बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है, सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। प्राप्ति कितनी है? 84 जन्म। बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र जरूर बनना, पवित्र जरूर बनना। बिना पवित्र बने परम धाम में जा नहीं सकते। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हो। 21 जन्मों के लिए इस जन्म में मेहनत करनी, सभी थोड़े ही बनेंगे। जो माया पर पूरी तरह जीत पाएंगे वो जगत जीत बनते हैं। सभी थोड़े ही बनेंगे, सब तो नहीं बनेंगे ना। जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही उच्च पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत को ही क्या बनाते हो? भारत पर ही भारत को पवित्र बनाते हो, फिर भारत पर आप राज्य भी करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल ना सके, ये वंडरफुल है, ये वंडरफुल है। सभी थोड़े ही बनेंगे। जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही उच्च पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल ना सके, ये वंडरफुल बात है, वंडरफुल। वंदे मातर, मेजोरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए हो, शास्त्र पढ़ते आए हो, अब हम तुमको समझाते हैं। जज योर सेल्फ, अपने आप को देखो। राइट क्या है? सत्युग राइटियस दुनिया है, माय अनराइटियस बनाते। आप भारतवासी इरिलीजियस बन गए हैं, अधर्मी बन गए हैं। रिलीजन नहीं है, इसलिए माइट नहीं आ सकता। रिलीजन नहीं, इसलिए माइट नहीं रही है। इरिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। बेहद का बाप है, इनकॉग्निटो वॉरियर्स हो, परंतु
स्वर्ग बनाना तो पावरफुल स्वर्ग का काम है ना, परंतु हे गुप्त आत्माएं इनकॉग्निटो वॉरियर्स, बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मत देते हैं। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सुनार की मत, धोबी की मत, इसमें सब मते आ जाते हैं। बाबा के पास सब मते आ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। जानना के लिए मुख्य सार है, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, इसमें बहादुरी दिखानी है, श्रीमद पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना। जो कुछ पढ़ावा सुना है उसे भूल जाओ, उसे याद करना, उसे सागर व पानी ही उसका निकलना चाहते हैं, मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अति इंद्रिय सुख के झूले में नहीं झूले। सदा हर्षित रहना, अनुभव नहीं कर सकेंगे, इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षणों से, वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। स्लोगन, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे।